आप सभी को नमस्कार। सुवास्तु फाउंडेशन के स्वरोदय के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा नया कोर्स स्वरोदय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इस कोर्स में आप सीखोगे कि ईश्वर ने कितनी सारी शक्ति आपके हाथों में भर दी है, कितना चमत्कार उन्होंने देकर आपको भेजा और हम उससे अनजान बने हुए हैं। कई लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होता कि स्वरोदय क्या है, क्योंकि जो स्वर्विज्ञान है कई लोग नहीं जानते ये स्वर्विज्ञान क्या है। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, परंतु अगर अपन देखें कि कितने लोग जानते हैं तो मैं कहूंगा कि 99.9% लोग नहीं जानते। 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो इस विद्या को जानते हैं। स्वर विज्ञान की जब अपन बात करते हैं तो ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है, इतनी इफेक्टिव है कि आप किसी भी विद्या, मतलब आप किसी भी विद्या को ले लो, वो इसके आगे घुटने टेकती है, नतमस्तक है। आज की कोई विद्या नहीं है, अत्यंत प्राचीन काल भगवान आदिनाथ के समय की विद्या है। पूज्यवर आचार्य सुपचंद्र महाराज ने ज्ञानानव ग्रंथ में इसमें इतना सारा उल्लेख किया है। शिव स्वरोदय के नाम से एक शास्त्र जो मिलता है उसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं और उन दोनों की वार्ता को शिव स्वरोदय के नाम से दिया गया है। आप नेट पर भी सर्च करेंगे सिर्फ स्वरोदय के नाम से तो आपको कई सारे इसके शास्त्र मिल जाएंगे। यानी कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको कि हम ये मान लें कि इसका क्या औचित्य है या क्या इसका ओरिजिन है। ये स्वर्विज्ञान के रूप में हमारे आचार्यों ने इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र हमको दे दिया कि जितने स्वर को जान लिया ना उसको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ना आपको मुहूर्त देखना, ना कोई बार देखना, ना तिथि देखना, कोई चीज नहीं देखना। सिर्फ आप अपने स्वर को देखो और स्वर देखने के लिए आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितनी विद्याएं हैं, चाहे वो वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी हो, कुछ तो चाहिए। बिना उसके तो काम होने वाला नहीं है। एक पेन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहां ना आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। सिर्फ भगवान ने आपको ऑटोमेटिक दो नॉस्टल देकर भेजे हैं और यही नॉस्टल से जो वायु का वेग निकलता है, उस नॉस्टल को, नॉस्टल से निकलने वाले वायु के वेग को देखकर आप पता कर सकते हो कि आज का आपका भविष्य क्या है, आज आपका काम सफल होगा कि नहीं होगा। तो यही कारण है कि आप आज जब हम स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि इसके जानकार हैं और वो इसकी साधना करते हैं और जिन्होंने इसकी साधना कर ली उसके सभी कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। वो एक अच्छा स्वर मर्मज्ञ जो व्यक्ति बन जाता है वो चुटकियों में अपने कार्य सफल कर लेता है। चुटकियों में वो जो चाहता है वो होना लग जाता है। बात यह है कि इसकी साधना करना आवश्यक है। बिना साधना के कोई काम होने वाला नहीं, बिना साधना के कुछ नहीं होने वाला। साधना तो करना पड़ेगी और साधना के लिए ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ी कोई तप करना है, कोई तपस्या करना है। सिर्फ एक जो सबसे बड़ी चीज है, अपने अंदर के मानस को शुद्ध रखना है, अपने अंदर की ग्रंथियां, हमारा जो अंदर कलुषितता भरी हुई है उसको एकदम हमें साफ करना है, नाड़ी शोधन करना है और थोड़ा स्वर को साधना है और हमारा यह स्वर विज्ञान हमारे को स्वर मर्मज्ञ बना देता है। क्या है स्वर विज्ञान? एक ऐसा चमत्कारी विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है कि कैसा भी कार्य हो, आपको सफलता नहीं मिल रही हो और आपने प्रॉपर तरीके से आपने अगर स्वर की साधना शुरू कर दी तो निश्चित रूप से सफलता मिलना शुरू हो जाती है। स्वर विज्ञान के परिणाम तो बड़े कमाल के हैं। मतलब मैं अपनी बता रहा हूं कि जब मैंने इसको सीखा, जब इसके शास्त्र का अध्ययन किया,
जगह जगह से इसको सीखा, शास्त्रों का अध्ययन किया, कई सारी किताबों को पढ़ा, तो मुझे ये लगा अपने आप में कि ये इतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पढ़ने से और इतना इफेक्टिव होगा, ऐसा ऐसा मुझे तुरंत लगा था। जब पर्सनल अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना मैंने शुरू किया, तब मुझे जाकर पता लगा कि कितना इफेक्टिव है। और आप में से जो लोग इसको सीखेंगे, जो इसकी साधना करेंगे, वो पाएंगे कि कितना प्रभावी है। पिछले बैच में कई सारे स्टूडेंट हैं और उनका रिव्यूज मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। कोर्स के दौरान ही उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, और उनके कई सारे ऐसे कार्य थे जो जाने कितने दिन से अटक रहे थे। और उन्होंने स्वर की साधना, मैं तो उनसे कह रहा था कि 3 महीने आपको लगेंगे और उसके बाद में आप स्वर से कोई कार्य ले पाएंगे, उन्होंने कोर्स के दौरान ही ऐसी साधना की कि कोर्स के चलते चलते ही उनके वो काम जो अटके हुए थे, बरसों से अटके हुए थे, वो काम उनके होने लग गए। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि आपको इसमें किसी टूल की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ स्वर को जान लेना है। इतना शक्तिशाली है कि सारे विद्याओं की ये कुंजी है। और अगर आपने इस सांस लेने की टेक्निक को, जिसके माध्यम से हम लाइफ में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, बस ये प्रयोग करने की विद्या है। प्रयोग भी कोई ऐसा बहुत कठिन नहीं है, इतना आसान है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। आप बताइए, आप अभी इस समय श्वास ले रहे हैं, अब श्वास ले रहे हैं तो इसको करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है क्या? रचना जी, आप कैमरा ऑन कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? अपन सब लोग क्लास में हैं, तो थोड़ा सा कैमरा ऑन करके रख सकते हो, बस म्यूट करके रखना है। तो अभी हम इस समय श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, हमने कोई इसके लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? कोई टेक्निक लगा रहे हैं क्या? तो इससे सरल क्या हो सकता है? ये तो अपने आप हो ही रहा है, बस बात है कि हम इसको देखना सीख गए। देखना सीख गए जब हम, कैसे देखना, कैसे करना, इस चीज को समझ गए, तो हमारा वो काम होना शुरू हो जाता है जिसको कि हम करना चाहते। बस इस टेक्निक को दी है। क्या है, ईश्वर ने हमारे लिए क्या दिए? दो दो नॉस्टल दिए हैं, एक बायां एक दायां, एक लेफ्ट राइट। और जिससे श्वास आसानी से आ जा रही है, आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग चेक कीजिए, आप अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एक नॉस्टल से वायु का वेग चल रहा है, एक नॉस्टल भरा हुआ है और एक नॉस्टल खाली है, एक नॉस्टल से हवा नहीं आ रही, या अगर आ भी रही है तो अटकती हुई सी महसूस होगी आपको। एक नॉस्टल से तो बिल्कुल आवागमन एकदम नॉर्मल हो रहा होगा, और एक से अटकता हुआ होगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका इस समय लेफ्ट नॉस्टल एक्टिव है कि राइट नॉस्टल एक्टिव है। कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा, अंकुर जी आप बताओ इस समय कौन सा स्वर आपका एक्टिव है? राइट एक्टिव है सर। आपका राइट एक्टिव है। प्रतिभा जी आपका कौन सा एक्टिव है? दोनों चल रही हैं। नहीं, दोनों में ये देखिए कि दोनों बराबर वेग से चल रही हैं, या एक में ज्यादा तेजी से आ रहा है, एक में बहुत हल्का आ रहा है। सर लेफ्ट में ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब आपका चंद स्वर एक्टिव है। कई बार समस्या यही होती है, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे तो दोनों नॉस्टल से वायु का वेग चलता है, ऐसा नहीं होता। एक नॉस्टल एक्टिव होता है हमेशा, दूसरे नॉस्टल में वो चेंज जब होने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमेशा एक ही नॉस्टल तो चलता नहीं है। मतलब जी ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन आपका लेफ्ट चलेगा या सारा दिन राइट चलेगा। एक घंटे के लिए आपका लेफ्ट चल रहा है तो उसके बाद चेंज होगा और राइट आएगा, और राइट चेंज होगा तो लेफ्ट आएगा। तो इस लाइट लेफ्ट और राइट को जो चेंज होने की प्रक्रिया है, ये जो चेंज होने की प्रक्रिया है, इस दौरान ऐसा लगता है कि हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे प्रतिभा जी, तो आप देखेंगे
एक स्वर अब आपका एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो रचना जी आपका कौन सा चल रहा है? और चेक ही नहीं किया। तो जिससे सांस आसानी के साथ आती जा रही है तो वो स्वर हमारा भरा हुआ स्वर है, जिसमें श्वास अटक रही है वो हमारा बंद स्वर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट नॉस्टल है, जिससे कि लेफ्ट नॉस्टल को हम चंद्र स्वर बोलते हैं और राइट नॉस्टल को हम सूर्य स्वर बोलते हैं। तो ये अभी इतना आपको देखना समझ में आया। कुछ बात आप ये बढ़ाते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जिस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पांच तत्व हैं और ये हमारे शरीर में भी पंच महाभूत तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। आपको पता है पंच महाभूत तत्व हम वास्तु में भी पढ़ते हैं, पंच महाभूत हमारा जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांच महाभूत तत्वों से ही तो सब कुछ मिलकर बना है। और जब हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो ये जो ऊर्जा आती है ब्रह्मांड की ऊर्जा को वो सिंक्रोनाइज करने का माध्यम ये सांसों के माध्यम से होता है। यही सांसें हैं जो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को सिंक्रोनाइज करती है, और ये यूनिवर्स की वो एनर्जी है जो हमारे शरीर के साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन होना जब शुरू हो जाती है तो समझिए समय अच्छा है। जब प्रॉपर तरीके से अलाइन होगी तो समझिए समय अच्छा है, और जब वही ऊर्जा जो है अगर सही तरीके से अलाइन नहीं हो पाती तो हम बहुत खराब समय से गुजर रहे होते हैं और अपन को कहते हैं कि हमारा तो बुरा समय चल रहा है। तो ये जो टेक्निक है, हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, हमें उसी ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से अलाइन करना सिखाती है कि कैसे जो प्रकृति की मूल टेक्निक है, जब भी हम उस टेक्निक को सही तरीके से यूज करना सीख जाएंगे, सही टेक्निक क्या है ये समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके वो काम भी हो जाएंगे जिनके बारे में आप सोचते नहीं हो। इतनी बड़ी विद्या है ये। जब भी हम गलत तरीके से प्रकृति के साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारे कोई ना कोई तत्व डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी चीजें भरी हैं, जो पृथ्वी के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो जब हमारे शरीर का कोई तत्व डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं इन तत्वों की कमी हो गई है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की है, फास्फेट की है, सोडियम की है, कैल्शियम की है और ना पता क्या क्या। तो धरती में से जो तत्व निकलते हैं वही तो सारे तत्व प्रकृति ने हमारे अंदर डाल दिए हैं। तो जैसा यूनिवर्स है वैसा ही तो हमारा शरीर है। करना क्या है, इसको अलाइन ही तो करना है, और प्रकृति के साथ अगर आप इसको अलाइन नहीं करोगे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ किसी काम का रहने वाला नहीं है। आप बीमार हो जाओगे, ना काम आपका कुछ होने वाला। आप जैसे अभी तक हम लोग, जैसे जीवन चलता आया है चलता रहेगा, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप इसको अलाइन नहीं करोगे। अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं, जब हमारे को पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं तो हमें अच्छा लगता है, निगेटिव एनर्जीज मिलती हैं तो हमें खराब लगता है। जीवन में दो ही तो एनर्जी हैं, इसके अलावा है क्या, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमें कोई, जब हम निगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर नहीं लेना लेना चाहते, ना हम चाहते कि हम किसी निगेटिव एनर्जी को, हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी रहे हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब कुछ पॉजिटिव हो हमारे साथ में, निगेटिव कुछ हो ही ना। तो ऐसा कोई माध्यम अगर हमें मिल जाए फिर जो भी नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव में बना लें तो कितना अच्छा हो जाए। तो यही वो टेक्निक है, स्वर विज्ञान की वो टेक्निक है कि बस इसी को समझ लो, इसको समझ लो आप तो सारा कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। होता कैसे है, एक होता है हमारा मन जो चाहता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो,
अच्छा, हो कैसे? तो दूसरा जो अच्छा, हो ये सब चीजें देने वाला है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। उस सबकॉन्शियस माइंड को आप जो ऑर्डर देते हो, सबकॉन्शियस माइंड को जो संदेश देते हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस उसे सही ढंग से कमांड देने की जरूरत है। जब भी आप उस जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई एक ब्रह्मास्त्र आपको अभी दे रहा हूं, बहुत छोटा सा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अपना स्वर को चेक कीजिए, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, तो स्वर को चेक करके आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना स्वर चेंज कर लीजिए, उस स्वर को बंद कर दीजिए। जैसे लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद रखिए, बिल्कुल एकदम दबा के अच्छी तरह से बंद रखिए। अगर अच्छी तरह से बंद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई कॉटन वगैरह लेके उसको नॉस्ट्रल के अंदर कर लीजिए, अच्छी तरह से बंद हो जाना चाहिए और दूसरा स्वर चालू हो जाना चाहिए। थोड़ी देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। जब स्वर परिवर्तित हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप जब परेशानी से गुजर रहे थे, आप किसी दर्द से गुजर रहे थे, आप किसी बीमारी से गुजर रहे थे, वो बीमारी ठीक होने लगी, वो दर्द ठीक होने लगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अगर ऐसे नॉस्ट्रल को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो और दूसरा तरीका बताता हूं कि आप उस करवट लेट जाइए जो स्वर चल रहा है आपका। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर चल रहा है तो लेफ्ट करवट लेट जाइए, थोड़ी देर में आपका वो लेफ्ट स्वर बंद होके राइट स्वर चलने लगता है। तो ये टेक्निक है। जब भी इमरजेंसी हो तुरंत स्वर को चेंज करो। सूर स्वर चल रहा है, जिनका सूर स्वर चल रहा होता है उनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहती है। हेल्थ का कारक है सूर्य, सूर्य आपको हेल्थ देता है। जिनका सूर्य स्वर चल सूर्य स्वर चल रहा होता है उनके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सूर्य स्वर हमेशा चलना अच्छा नहीं है। चंद्र स्वर की भी अपनी आवश्यकताएं हैं। चंद्र स्वर जिनका चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा चंद्र स्वर चलना भी अच्छा नहीं है। जब तक दोनों चीजें समान रूप से चलती रहती हैं तो वो बहुत बढ़िया। तो किनका अगर सूर्य स्वर चलता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जितने स्पोर्ट्समैन हैं, सेल्समैन हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, उनका सूर्य स्वर चलता है क्योंकि वहां पर एनर्जी की जरूरत है ना। शरीर से काम हो रहा है, शारीरिक काम जो लोग कर रहे हैं वो सूर्य स्वर। जब जब आपको खेलना है सूर्य स्वर चाहिए, लेकिन जब आप मानसिक रूप से अपना काम कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर पर काम करना है, आप कस्टमर को अपने पास बुलाना चाहते हो, आप लोगों को अपनी बात समझाना चाहते हो, आप लोगों से ऐस प्रभावशाली तरीके से अपनी बातें कहना चाहते हो, आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो, आप दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको चंद्र स्वर की आवश्यकता। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको किसी को दूर करना है, अपने से दूर भेजना है, उससे पिंड छुड़ाना है, आपको सूर्य स्वर की आवश्यकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप किसी से पिंड छुड़ाना चाहते हो ना, सिर्फ एक काम करना है, आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रल से 3 बार श्वास को छोड़ दीजिए। दैट्स इट। 3 बार, 3 बार में काम हो जाता है। 5 बार कर दिया तो काम होना है। यानी कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप उससे मिलना नहीं चाहते, तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो अपने राइट नॉस्ट्रल से 3 बार प्रेशर से हवा छोड़ती। आप देखेंगे कोई ना कोई बहाना बना के उसको जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप उठ के नहीं जा सकते, आप अपनी इच्छा को लेकर के ऐसा हो जाए, या ये चीज यहां से चली जाए, ये व्यक्ति यहां से चला जाए। रात को जानवर परेशान करते हैं, जानवर आवाज करते हैं कई तरह के, कई बार उल्लू आवाज करने लगते हैं, कई बार कुत्ते आवाज करने लगते हैं, कई बार वो आप बरसात का मौसम आ रहा है तो बरसाती कीड़े आवाज करने लगते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं।
आप जाके उनको भगाना बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे जाएंगे? आप सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ दीजिए, 3 बार 4 बार अधिकतम 5 बार, मन में इच्छा को धारण कीजिए, ऐसा हो जाए, आप देखेंगे कि वो काम हमारा हो गया। थोड़ी देर में, टाइम लगेगा, थोड़ा देर लग सकती है, 2 5 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन वो काम 100% होगा। और जब आप स्वर पे साधना कर लेते हैं तो 1001% वो काम होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। जब आप किसी काम को विशेष तौर से करना चाहते हैं तो सगुण में करना चाहिए। मैं आज आपको ओवरऑल पूरा समझा दूं, अगर एक ही वीडियो ये किसी ने देख लिया तो इसी वीडियो के अंदर सब कुछ, सारी टेक्निक समझ में आ जाएगी। सगुण क्या होता है? सगुण, सगुण हम जो श्वास को अंदर खींचते हैं उसको अंदर रोक के अपनी इच्छा को होल्ड करना, उसके बाद वो काम करना सगुण कहलाता है। आपको कभी कोई सिग्नेचर करना है, सगुण में कीजिए। आपको दीपक जलाना, आप दीपक जलाते हो, यहां तक कि अगर आप दीपक जलाते हो सगुण में दीपक जलाइए। जो भी स्वर आपका चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हाथ हाथ से जलाइए, राइट चल रहा है राइट हाथ से जलाइए, और सगुण में जलाइए, यानी श्वास को खींचते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। आप घड़ी से टाइम देख लीजिएगा, अगर वो दीपक 1 घंटे जलता है उस दिन वो दीपक 1.5 घंटे जलेगा, 1.25 घंटे जलेगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे जब आपकी स्वर साधना हो जाएगी वो दीपक 12 घंटे तक पहुंच जाएगा। उसमें इतना ही घी है कि आपने 1 घंटे के लिए जलाया था, इतना ही घी है कि आपने आधे घंटे के लिए जलाया था, लेकिन जब आप सगुण में उसको प्रज्वलित कर देते हो, श्वास को अंदर खींचकर, श्वास को अंदर भरकर, और सगुण में आपने उसको प्रज्वलित कर दिया, तो वो दीपक भी आपकी इच्छा को पूरी करता है। आपने कहा कि ये अब 2 घंटे जलना चाहिए, ठीक है, हम जो चाहते हैं उनको थोड़ी सी समझने की बात है। कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि काम परफेक्ट हो रहा है तो हमें कुछ इसके नियमों का भी पालन करना चाहिए। नियम हमें, जब जिस इस टेक्निक को सीख रहे हैं, आप सबको एक नियम मैं दे रहा हूं कि कभी भी इस विद्या का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, किसी का बुरा करने के लिए इस विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने फायदे के लिए करो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का नुकसान के लिए कभी नहीं करेंगे, दूसरे का बुरा करने के लिए कभी नहीं करेंगे। हो सके तो इस विद्या का उपयोग दूसरों के फायदे के लिए भी करो, अपने फायदे के लिए भी करो, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना, मन में भी मत लाना कि किसी का नुकसान हो जाए। आपकी दुकान पर कोई क्लाइंट आया, आप क्लाइंट चाहते हो कि वो आपसे माल लेकर जाए, आपकी बात सुने, आपके पास फोन आया, आपकी बात सुने, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से, उसी हाथ से आप फोन उठाइए और उससे बात कीजिए, उसी कान से लगाकर बात कीजिए। लेफ्ट लेफ्ट स्वर चल रहा है, लेफ्ट से उठाइए फोन को, लेफ्ट कान से उससे बात कीजिए, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए तैयार है। आपका जो नॉस्टल चल रहा है उस भरे हुए स्वर में आप ग्राहक को रखिए, भरे हुए स्वर से उसको चीजें दिखाइए और देखिए क्या चमत्कार होता है। समझना पड़ेगा टेक्निक को, शुरुआत कहां से करना है? शुरुआत करना है हमको अपनी श्वासों की, नाड़ियों की क्लीनिंग से। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, इन 72,000 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियां, इन सबके पीछे अभी हम लोग नहीं जाते, लेकिन इन 72,000 नाड़ियों को शुद्धिकरण कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले हमें रोज जो अभ्यास करना है उसको समझना बहुत जरूरी। अभ्यास क्या होगा? हमें 3 गहरी सांस लेनी है, 3 गहरी सांस। इसमें
5 सेकंड में आपको श्वास लेना है, नाभि तक लेना है, अंदर की तरफ खींचते हुए नाभि तक सांस ले जाना है, 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है और 5 सेकंड में ही छोड़ना है, ठीक है ना। अभी करके देखिए थोड़ा सा, 5 सेकंड में श्वास को लेना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 सेकंड में उसको छोड़ना है, करिए। तीन बार करना है, समझ में आया। ये एक प्रोसेस है, मैंने सिर्फ 5 सेकंड का कराया है, 10 सेकंड तक जाना है, इसके बाद में 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड होल्ड करना, 10 सेकंड में छोड़ना, इसके बाद में 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड होल्ड करना, 20 सेकंड में छोड़ना। आप देखोगे कि 20 सेकंड में छोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो 5 सेकंड में छोड़ना तो बड़े आराम से हो गया, आप अगर इसी श्वास को 10 सेकंड में छोड़ना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 10 सेकंड में लेना भी आसान है, 10 सेकंड रोकना भी आसान है, आप 10 या 20 सेकंड रोक सकते हो, 30 सेकंड रोक सकते हो, 60 सेकंड रोक सकते हो। कोरोना के टाइम पे हमने सबने 60-60 सेकंड सांसें खूब रोकी, लेकिन छोड़ना, श्वास को छोड़ना आप नहीं ज्यादा देर तक छोड़ पाते। तो ये प्रयास, ये अभ्यास हमें रोज करना है, सबसे पहला अभ्यास। श्वास को गहरी लेना है, आपको महसूस होना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हो, आपकी श्वास नाभि तक जाना चाहिए, सांसों के प्रति हमें अवेयर होना जरूरी है। यदि ये आपकी प्रक्रिया आपको दिन प्रतिदिन करना है, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट इस प्रयोग को करते हो, गहरी सांस लेते हो, रोकते हो, छोड़ते हो, तो आपके माइंड में जो स्ट्रेस है वो कहाँ गायब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रीस्टार्ट हो गया। जैसे ही आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हो, आपके दिमाग पर, आपके माइंड पर एक शांति सी छा जाती है, आपका माइंड एकदम ऐसा हो जाता है कि कुछ रिफ्रेश आपको है, ठीक है। हमारे इन सांसों में प्रकृति ने ना जाने कितनी बड़ी पावर भर दी है। आप अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, कोई भी जो भी आपके मन में इच्छा है उसको करने के लिए आपको कुछ, कई लोग पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ भटकते हैं, बड़े बड़े स्थानों पे, मंदिरों में यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पता नहीं किस किस के दरबार में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इन सांसों के माध्यम से आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। आप अपनी श्वास को अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड कीजिए और अपनी इच्छा के साथ में होल्ड कीजिए, यानी सगुण में अपनी मन्नत मांगिए, तो उस मन्नत को आप जब सबकॉन्शियस माइंड में इस जो अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हो, वो आप देखोगे कि पूरी हो गई है, पूरी होने की प्रोसेस में आ गई है, तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी विद्या है। सुबह जब सोकर उठते हैं, रात को जब सोने के लिए जाते हैं, आज से एक काम आप लोगों को शुरू करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं। जब रात को आप सोने के लिए जाते हो, हाथ पैर अच्छे तरह से, हाथ पैर और मुंह अच्छे तरह से धो के जाइए, बेड पर बैठिए, धोकर पहुंचना जरूर है, गीले पैर, गंदे पैर कभी भी आप बिस्तर पे नहीं जाएंगे। ये तो बहुत छोटी बात है, इवन दैट आप बाजार में जाते हो, चप्पल पहन के जाते हो, उन चप्पलों को घर के अंदर, जूते पहन के जाते हो, उन चप्पलों को, जूतों को पहन के घर के अंदर नहीं आना चाहिए, घर की दहरीज को पार नहीं करना चाहिए। आप पहन के आए हैं, वहां बाहर उतारिए, आप घर की चप्पल पहन लीजिए,
वैसे तो पृथ्वी के टच में आपको रहना चाहिए, बट नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, चप्पल घर की अलग से होना चाहिए। और उसके बाद में आप जो भी करना है, क्योंकि पता नहीं आप बाजार बाजार में गए, बाहर गए, क्या कहाँ पैर आपने पटक दिया, किसी ने कुछ किया कराया था। शनिवार को आप जाइए, नींबू मिर्ची इतने सारे आपको बाजार में पड़ेंगे, पड़े मिलेंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप उस पर पैर रख के आ गए, किसी ने कुछ किया कराया था, पैर रख के आ गए, उन्हीं पैरों को आप घर के अंदर ले गए, और वो निगेटिव एनर्जी थी, वो एनर्जी घर के अंदर, अब आप परेशान हो रहे हैं। नियम बनाइए, घर के बाहर उतारिए इन जूते चप्पलों को, ठीक है ना। खैर, रात को सोने से पहले हाथ पैर मुंह अच्छे तरह से धोइए, अच्छे तरह से पहुंचिए, उसके बाद बिस्तर पे आइए, और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को, ये प्रयोग अभी भी अभी करेंगे आप, अभी अभी करेंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे अच्छे से रगड़ेंगे, फील करेंगे मैं मास्टर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, ऐसा फील कीजिए, रगड़िए जोर से रगड़िए, और आपको एक एनर्जी फील होने लगेगी, अपने दोनों हाथों पे एनर्जी फील होने लगेगी, और उसके बाद में अपनी आंखें बंद करके इनको अपनी आंखों पे लगा लीजिए। कुछ एनर्जी फील हुई आप लोगों को? कुछ वाइब्रेशंस आए? जब ये वाइब्रेशंस जो आते हैं, आपने आंखें वाइब्रेशंस आपकी आंखों के माध्यम से अंदर की ओर आपके जाने लगते हैं, आप 10 मिनट कर सकते हैं इसको, 4 5 6 बार आप रगड़ सकते हैं अच्छी तरह से, आप एनर्जी दे सकते हैं, किसी भी चीज को एनर्जी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ आंखों को एनर्जी देना है। आप अपने घुटने का दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में एनर्जी दे रहे हो, आप थायराइड के पेशेंट हो, इस प्रकार से आप हीलिंग दे सकते हो। ये जो नर्व्स हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, हल्कापन, इवन दैट अगर कोई किसी को हकलाने की समस्या है वो भी दूर हो जाती है, स्वर थेरेपी में भी बहुत शानदार है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जो विजन देंगे, वो विजन की भाषा को बहुत जल्दी, आप जो विजन देंगे, मैं ये चाहता हूं, आप एक विजन बनाना है, टाइम दो, रोज प्रयोग करो, तो आपको चमत्कार देखने को मिलते हैं। सिंपल तरीके से बेड पे बैठे, 3 बार आपने अपनी आंखों को इस प्रकार से स्पर्श किया, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कीजिए, श्वास को अंदर की ओर खींचिए, श्वास को बिल्कुल नाभि तक भरिए, अपनी इच्छा के साथ में रोकिए और श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 3 बार करना है, अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना है, आप क्या चाहते हो, ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार में एक विजन बनाओ, टाइम दो रोज, और आप सो जाइए, आपने विजन दे दिया, इच्छा को मैंने खींचा, श्वास अंदर तक गई, थोड़ी देर होल्ड किया, श्वास को छोड़ दिया, ऐसा 3 बार करना है, आप सो गए। सुबह जब उठोगे ऐसे ही नहीं उठ जाना, उसकी भी एक टेक्निक है। जब आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले उठ गए, आंखें खोल ली, अपना स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा, लेफ्ट या राइट, अपन ने चेक कर लिया सुबह के टाइम पे। उसके बाद उसी करवट से, उसी करवट, अगर लेफ्ट स्वर चल रहा था तो लेफ्ट करवट, राइट स्वर चल रहा था तो राइट करवट से आप उठकर बैठ गए, पलंग पर बैठ गए, अभी नीचे नहीं उतरे। वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन कौन सा स्वर आना चाहिए, किस दिन कैसा करना चाहिए, लेकिन अभी तो ये आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं पूरी की पूरी। आज मैं आपको वो सारी ये सारे ब्रह्मास्त्र जो स्वर के हैं वो सारे दे जाऊंगा। उठना है, बैठ गए, और बैठने के बाद अपना स्वर, आपने स्वर तो आपको पता ही है कि कौन सा स्वर आ रहा था, बस एक ध्यान रखना है,
कि दोनों नॉस्टल से बराबर वायु का वेग नहीं आ रहा हो। जब दोनों नॉस्टल से बराबर वायु का वेग आ रहा होता है उसे बोलते हैं सुषुम्ना। वो ध्यान करने का समय है, उस समय ध्यान के लिए आप बैठ जाइए। सुषुम्ना अगर आ रहा है तो ध्यान करने बैठ जाइए, नहीं तो एक तरफ थोड़ा सा देर के लिए लेटे रहिए। अगर दोनों नॉस्टल से चल रही है, बराबर चल रही है, तो बैठ जाइए। पुनः 3 बार हाथों को अच्छी तरह से रगड़िए, अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कीजिए जैसे रात में किए। पुनः होल्ड एंड छोड़, 3 बार। उसके बाद जो स्वर आपका चल रहा है, इतनी देर में हो सकता है स्वर परिवर्तित हो जाए, इतनी ही देर में, 1 आध मिनट में ही स्वर परिवर्तित भी हो सकता है। फिर पुनः एक बार चेक करें स्वर कौन सा चल रहा है, और जो स्वर चल रहा है उसी स्वर, उसी पैर को सबसे पहले जमीन के ऊपर रखना है, और जमीन के ऊपर रखना ही नहीं है, धीरे से ऐसे पटकना है श्वास को खींचते हुए, इच्छा को खींचते हुए। आज ये वाला काम होना है, आपने जो इच्छा 3 खींची है ना, अब ये वाला काम भी तो होना है, तो ऑर्डर दिया ये काम होना है। उसके बाद दूसरा पैर उससे मिला लीजिए और उसी पैर को आगे करके बढ़ जाइए, अपना काम में निकल जाइए। पहला काम, जब भी घर से बाहर निकलो स्वर चेक करके बाहर निकलो, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर का उसी पैर को सबसे पहले बाहर निकालना, ये काम करना है। ये छोटा सा प्रयोग है जो स्वर के माध्यम से आपको काम करेगा। आप लोग भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आप स्वर विज्ञान के कोर्स में आए हो, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये विद्या हर किसी को मिल ही नहीं सकती, हर कोई व्यक्ति इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये विद्या अपने व्यक्ति को, जो जिसको ये आना चाहती है उसको स्वयं चुनती है। तो आने वाला जो समय है सभी को बहुत बड़े बड़े काम करना है, ये मान लो। ये आपके समय, ये समय आपका आह्वान कर रहा है। केवल दवाइयों से काम नहीं होने वाला, आगे आने वाला समय है, इतना कठिन आने वाला है, आप देखने वाले हो। आज ही एक में पढ़ रहा था, पहले पहले 100 लोगों में से एक व्यक्ति को कैंसर होता था, आज 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कैंसर हो। केवल दवाइयां काम करने वाली नहीं है, बल्कि शुभ भावनाएं, आपकी एनर्जेटिक बातें, आपकी ऊर्जावान बोल लोगों की मदद करेंगे। आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, हर घर के अंदर इतने मानसिक रोगी हो जाएंगे, ये मोबाइल फोन इतने मानसिक रोगियों को पैदा कर देगा कि कोई सीमा नहीं। आपको जब भी आप बैठते हैं अच्छे वाइब्रेशंस को फैलाना है, संसार को अच्छी भावना देना है, ये भगवान सब लोग सुखी रहें, सब जीव जगत के, ऐसी भावनाएं आपको देना है ना। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो आप अपने लिए तो स्वयं ही अच्छा कर रहे हो, जब दूसरों का अच्छा होगा तो अपने लिए तो अच्छा होगा ही अच्छा। तो जब आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, वाइब्रेशंस अच्छी सबके लिए दीजिए, और जब आप देखेंगे 10 मिनट भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लगता है कोई काली मासी हट गई, है ना। अपने अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए थोड़ा सा समय अपने आप को जरूर देना है, जरूर समय निकालें। संसार के लिए तो बहुत समय है, बहुत समय दे दिया, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लो। आगे बढ़ने में आपको ये मदद करेगा, महान साधक और स्वर मर्मज्ञ आपको बनना है। स्वयं अपनी सहायता करेंगे तो आप लोगों की भी सहायता कर पाएंगे। अपने को सकारात्मक रहना है, दूसरों को सकारात्मक करना है। तो ये इस टेक्निक को सीखने के लिए स्वर ने स्वयं आपको सिलेक्ट किया है, लेकिन स्वर विज्ञान, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, कि एक ऐसा विज्ञान है जो सारी नकारात्मकता को जितना जल्दी आप दूर कर देंगे उतनी जल्दी ये पॉजिटिव रूप में आप इसका यूज कर पाओ। कैसे दूर कर पाएंगे, एक प्रयोग आज आपको दे रहा हूं। 10 मिनट बैठ जाइए, शांत कमरे में बैठिएगा। सबसे मना कर दीजिएगा कि हमें 10 मिनट कोई परेशान ना करे किसी भी तरह से।
जब भी आप बैठेंगे अपने हिसाब से कोई भी समय चूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएंगे और 10 मिनट बैठने के बाद आपको सबसे पहले उन घटनाओं को याद करना है, उन व्यक्तियों को याद करना है जिनके कारण आप क्रोध में भर जाते हो, जिनके कारण आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, जिनके कारण आप परेशान हो जाते हो, जिनकी जब भी बात आती है आपको टेंशन हो जाती है। वो एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो आपका माइंड दिमाग खराब कर देते हैं, जो आपका मन खराब कर देते हैं, आपका दिन खराब कर देते हैं। उन घटनाओं को, ऐसी कोई घटना भी हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आज या कल जब भी आप बैठे, आज उन घटनाओं से दूर होने का, उस रिमोट कंट्रोल को उससे छीनकर अपने पास रखने का समय आ गया है। 10 मिनट के लिए बैठेंगे, उस घटना को सोचेंगे, उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उस चीज को जो भी घटित हुई थी उसके बारे में सोचेंगे। कैसा भी आपको लगता है, बुरा लगता है, आंसू आते हैं, कुछ भी होता है, मन खराब होता है, हो जाने दीजिए, लेकिन 10 मिनट उसके बारे में जब आप सोच लेंगे कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, इसने ऐसा, ये जो फलाना ठीक है, जो जो था सब सब ले आइए। आफ्टर दैट माफ कर दीजिए, भूल जाए। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, जो तूने किया तेरे साथ, जा तेरे को माफ किया, छोड़ दो उसको, उस घटना को छोड़ दो। आज से ये घटना मुझे विचलित नहीं करेगी, आज से ये व्यक्ति मुझे विचलित नहीं करेगा, छोड़ दीजिए उस व्यक्ति। बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, करना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम अंदर से खाली होंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस काम को, इस प्रयोग को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से खाली हो गए हैं, आपको अंदर से खुशी हो रही है, आपको माफ करके वो जितनी खुशी, आप उसको याद करके जितना ज्यादा दुखी होते थे, तकलीफ में आते थे, उस घटना के कारण से जितना विचलित होते थे, आज आप माफ करके उतने ही प्रफुल्लित हो गए। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बस ये प्रयोग करना है। अच्छी भावनाएं दूसरों को देना है, अच्छे वाइब्रेशंस दूसरों को देना है, और स्वर की प्रयोगशाला यहीं से शुरुआत होती है। नई नई चीजें रोज आपके सामने आएंगी, सारी चीजों को हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। क्लास हमारा मंडे टू फ्राइडे होगा, 7 से 8 का टाइम होगा, कल भी क्लास होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं, जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सर एक क्वेश्चन है जी सर, अभी आपने ये बताया था ना आईज में जी एनर्जी देनी है, तो ऐसे ही मान लो अगर नीज में पेन है किसी के, तो हाँ, ऐसे ही अच्छे से एनर्जी लेके यस वो हैंड्स को नीज पे रख दो। यस यस यस, हैंड को नीज पर रख दीजिए, ठीक ओके सर, इसमें है। भी सगुण में करना है या इसका साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये एनर्जी लेके फिर उसको देना है, बस सगुण इन द सेंस, अपने मन में यही भावना होना चाहिए, ये ठीक हो रहा है, ये ये ठीक, ठीक हो नेगेटिव रहा है, ठीक नेगेटिव चीज कुछ नहीं होगी, ये ठीक हो रहा है है, ठीक है सर। ना, ऐसा। सर, और जैसे आपने कहा कि घर से जब भी हम बाहर निकलेंगे तो जो स्वर चल रहा हो वही वाला पैर आगे रखना है ना, यस तो लेकिन सर नॉर्मली मतलब कोई काम करने जा रहे हैं तभी, या क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कभी कुछ। भी जा रहे हैं, सबसे पहले जब भी आप अपना नॉस्ट्रल को चेक कीजिए, आप कपड़े भी पहन रहे हैं इवन, तो उसी स्वर से, यानी लेफ्ट लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो सबसे पहले उल्टा हाथ डालिए कपड़े में। आप चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, जो भी शूज को पहनना है आपको, सॉक्स पहन रहे हैं, उसी पैर में सबसे पहले आप पहनेंगे, और जब घर से बाहर निकलेंगे तो उसी कदम को सबसे पहले बाहर निकालेंगे जो स्वर आपका चल रहा है। खाली स्वर में कभी भी बाहर नहीं निकलना, नहीं तो काम नहीं होगा, नहीं हो तो प्रयोग करके देख लेना। आप खाली खाली स्वर में, स्वर, खाली स्वर इन द सेंस जो स्वर नहीं चल रहा, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा था और आप राइट राइट पैर करके बाहर चले गए, वो काम आपका होगा नहीं, आप प्रयोग करके देख लेना। आप परेशान होके वापस ही आ जाओगे, या होगा भी तो बहुत परेशान होने के बाद होगा।
ठीक है, तो हमेशा भरा हुआ स्वर से ही आपको जाना है। तो सर मतलब ये हम जो स्वर चल रहे हैं उस चीज उसी वजह से कपड़े पहनना उस पे या उससे निकलना, मतलब क्या वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ये कहना है? यस यस, ये मैनिफेस्ट करने का तरीका है, चीजों को मैनिफेस्ट करने का तरीका है। आगे क्लासेस में और चीजें सीखेंगे। सर मुझे क्वेश्चन ये है कि अब जब आपने ये बताया कि जब किसी से हमें मीटिंग नहीं करनी हो, मतलब नहीं मिलना हो, या फिर बैठे हो और वहां से हमें जाना होता है और हम बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपने बताया कि जो सूर्य नाड़ी है उससे तीन तीन बार श्वास को निकाल देना है, सांस हाँ को, जी, हाँ ठीक है। जी, लेकिन जी उस टाइम पे चंद्र नाड़ी चल रही होती है तब। नहीं, नाड़ी कोई भी चल रही हो उस समय सूर्य नाड़ी से आपको श्वास को छोड़ देना है तीन ठीक है, तीन बार, बार, ओके, ठीक ठीक है ना? है। सर एक और है हाँ सर, जैसे आपने बोला मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज, मान लो कोई हमारी कोई इच्छा है, तो जब हम पहले वो डीप ब्रीदिंग, जैसे गहरी सांस लें, फिर उसको होल्ड करना है, सांस लेते हुए वो चीज सोचनी है, सांस लेते हुए ही उस चीज को सोचना है और फिर उसको उस होल्ड चीज को मैं आपको होल्ड करना है, देन सांस को छोड़ना है। कुछ, ठीक है सर। और जब आपने बताया सर, जब सुबह उठे तब सोचे कि ये काम है, उस टाइम पे सांस लेनी है, और जब पैर रखते हैं उस टाइम पे वो सांस छोड़ सांस को देनी है, छोड़ दे, सांस को छोड़ के पैर को नीचे रख देना है। उस टाइम पे सोचना नहीं है, वो सोचा, वो सांस लेते समय सोचा वो ही। यही वाला काम होना है, वो तो पूरा एक प्रोसेस ही है, वो अच्छा प्रोसेस ही है कि सांस लेना है, छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, उसमें आपकी इच्छा वो ऑलरेडी उसके अंदर है ना, उसी इच्छा के साथ में हम काम कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड तक वो इच्छा पहुंच गई है। तो उस समय सर समझो कि दो तीन काम ऐसे है हमारे कितने दिनों से नहीं हो रहे होते हैं। अभी एक काम को ले लो, हाँ बस वही पूछना था, पहले एक काम का खत्म करके दूसरे दिन दूसरा हाँ, सोचे, ठीक है पहले ना। पहले एक काम कर लो, पहले एक काम जल्दी से निपटे हमारा, ऐसा हमें प्रयोग करना चाहिए। आफ्टर दैट हमें दूसरे काम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेन बात यह है कि धीरे धीरे ये चीजें एक साथ काम नहीं करेगी। आप सोचे कि आज मैंने सोचा आज की आज ही मेरा काम होगा, ऐसे नहीं होगा। धीरे 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 जैसे जैसे हम स्वर साधना करते चले जाएंगे, नाड़ी शोधन करते चले जाएंगे, प्राणायाम करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे ये सब काम आपके बनते चले जाएंगे। आप कितनी अच्छे तरीके से सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी इच्छा को भेजते हो, ठीक है? इस प्रयोग को हमें करना है। तो मैंने आज जो थोड़े से प्रयोग आपको बताए हैं, इन सभी पे आपको काम करना है, और खासकर से जो 10 मिनट बैठना है, और एक प्रयोग मैंने बताया कि भाई जिसको है माफ कर दो, जो परेशान कर रहा है, जो जिसकी याद है या जिस घटना हमारे साथ घटी, दुर्घटना हमारे साथ घटी जिसके कारण से हम बार बार विचलित हो जाते हैं, उसको आज भूलना है, ठीक है ना? अच्छी तरह से भूल जाना है, तो इसको प्रयोग करना है। तो ठीक है, आप सभी लोग इस पे काम करें, और बाकी का कल हम लोग मिलते हैं और आगे का जो भी होगा इसको सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी के लिए नमस्कार, जय जय जिनेंद्र, जय 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 जिनेंद्र।